हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नयानवेला में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप ही लोगों के बीच से डाटा कलेक्ट करके मैंने ये वीडियो बनाया है और एक्सपेक्टेड कटअप निकाला है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको नॉर्मलाइजेशन से जुड़ी बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखें। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने नॉर्मलाइजेशन के लिए मैंने लगभग हर बोर्ड को मेल किया था कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। मेरे और सब फ्रेंड ने भी मेल किया था, आरआरबी कोलकाता को भी मेल किया था, आरआरबी पटना को भी मेल किया था, अलाहाबाद को भी मेल किया था। उनमें से सारे का रिप्लाई एक ही आया कि आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट को आप अच्छे से पढ़ें। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट को मैं आपको यहाँ अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट में लास्ट लाइन ही आपको दिखा रहे हैं, तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। इस एडवर्टाइजमेंट में जो सारे लोग बात कर रहे हैं वो 6 पॉइंट की बात कर रहे हैं, स्टेजेस ऑफ एग्जाम। उसमें सारे लोग सिर्फ लास्ट पॉइंट का ही चर्चा कर रहे हैं जो कि मार्क विल बी नॉर्मलाइज्ड इन ऑल स्टेजेस ऑफ एग्जाम, ये लास्ट पॉइंट। लेकिन उसके ऊपर का कोई पॉइंट आपको नहीं समझा रहा है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि ऊपर का पॉइंट क्या कह रहा है। देयर शैल बी टू स्टेजेस एग्जाम, फर्स्ट स्टेज सीबीटी एंड सेकंड स्टेज सीबीटी, कॉमन फॉर एएलपी एंड टेक्नीशियन। यहां पे दोस्तों कॉमन बोला गया है, यानी वही पार्ट का यहां चर्चा किया जा रहा है जो कि दोनों में कॉमन है। उसके बाद बोला गया है, इन एडिशन कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड एएलपी एंड क्वालिफाइड इन सेकंड स्टेज सीबीटी हैव अंडरगो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मार्क्स विल बी नॉर्मलाइजेशन इन ऑल स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। यानी यहां पे बोला गया है कि जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी होगा और जो सेकंड स्टेज सीबीटी होगा, जो कॉमन होगा एएलपी और टेक्नीशियन में, यानी यहाँ आपका पार्ट ए कॉमन था, उसी की सिर्फ यहाँ बात की गई है। और उसके बाद जो भी एएलपी के लिए चुने जाते हैं उनका जो एग्जाम होगा उसमें भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, इसका कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ दोस्तों बहुत सारे लोग आपको ये समझा रहे हैं, मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड इन ऑल स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी सारे एग्जाम में होगा। दोस्तों यहाँ पे आप अच्छे से समझ लें, कॉमन पॉइंट को आप देख लें कि जो आपका कॉमन है उसी का यहाँ नॉर्मलाइजेशन किया गया है। अब मैं आपको यहाँ नीचे दिखाता हूँ कि स्टेज टू एग्जाम में क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टेज टू के पार्ट बी में यहाँ बताया गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स, यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स 35% बताया गया है और बगल में ब्रैकेट करके यहाँ लिखा गया है, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स एंड नो रिलैक्सेशन इज परमिसिबल। किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ना कास्ट रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ना नॉर्मलाइजेशन का दिया जाएगा, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है और इतना 35% आपको लाना ही होगा। यहां तक कि मैं रेलवे के अधिकारी से भी जाके पूछने की कोशिश की, उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता हूं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आरआरबी के वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। तो पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा ये किसी ने स्पष्ट नहीं किया है। उसके बाद मैंने सोचा कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वही चीज अभी एसएससी में लागू हुआ है, तो मैं एसएससी के एक अधिकारी से बात कर लेता हूं। तो मैंने एक एसएससी के अधिकारी से पूछा कि सर, ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, इसमें ऐसा क्या है आप बताइए मुझे। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं आपको बताता हूं, आप ही डिसाइड कीजिएगा कि क्या ये उन्होंने सही बताया या गलत बताया और क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूं नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स, ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आप जो देख रहे हैं, यही नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सेम आरआरबी में भी यूज हुआ था और हर जगह यही फॉर्मूला यूज होता है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, उन्होंने मुझे साफ साफ पहली बात में बताया कि जो भी रेलवे का एग्जाम हो रहा है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ले रही है, उन्हीं का फैसला होगा, मैं उसमें कुछ भी नहीं बता सकता हूं। मैंने उनसे पूछा कि अगर एसएससी में ऐसा होता है कि सारे लोग का ट्रेड अलग अलग हो, ऐसा नॉर्मलाइजेशन करना हो तो ये पॉसिबल है कि नहीं। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, यह नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस एक शिफ्ट पे किया जाता है। शिफ्ट में अगर बहुत सारे पार्टीशन हो, डिवाइड हो, तो ये नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी ऐसा नहीं है कि शिफ्ट में भी कोई अलग से ट्रेड हो उसका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करके निकाला जा सकता। तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि शिफ्ट में अलग अलग ट्रेड का ही निकाला जा सकता है। जो बच्चे 22 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में थे उसमें बहुत सारे ट्रेड के बच्चे थे, इलेक्ट्रीशियन भी थे, फिटर भी थे, फिजिक्स एंड मैथ वाले भी थे, तो वो लोग अलग अलग थे, तो उन लोगों का डाटा को नहीं एक साथ लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता, अगर उस शिफ्ट में सारे लोग पीसीएम के हैं या उस शिफ्ट में सारे लोग इलेक्ट्रीशियन के हैं,
तो ऐसा पॉसिबल हो सकता था, तो पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता था। उन्होंने ऐसा बताया कि इस फॉर्मूले में ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि आप उस शिफ्ट में अलग अलग ट्रेड के बच्चे को काउंट करके फिर इसमें आप फॉर्मूला में पुट कर सके। ये फॉर्मूला आप अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी शिफ्ट है तो सिर्फ एक शिफ्ट की बात की गई है। यहाँ जो आई शिफ्ट है, आई शिफ्ट एक रियल नंबर होता है और एक रियल नंबर पे ही बात किया गया है कि एक शिफ्ट में, इसीलिए रेलवे ने एक क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिया कि पार्ट बी में 35% मिनिमम लोग लाएंगे ही लाएंगे, उसके बाद इसमें सिलेक्शन होगा। अगर क्वेश्चन ज्यादा टफ होता है या ज्यादा इजी होता है तो फिर उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं होगा। किसी का ट्रेड में 65 नंबर आ गया और किसी का ट्रेड में 15 नंबर आ रहा है, तो कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही है, सबको लाना है। हर एग्जाम में एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, उसको लाना ही पड़ता है। उन्होंने सारे रूल को वायलेट करते हुए ये शिफ्ट कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ आपको 35% मार्क्स आपको लाना ही लाना है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन पे अभी तक कोई नहीं बोल रहा है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा नॉर्मलाइजेशन होना है नहीं होना है। मैं चाहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन हो जाए क्योंकि पार्ट बी में बहुत सारे लोगों का रिजल्ट खराब आया है, लेकिन मैं आपको यहां प्रूफ के साथ और बहुत अच्छे अच्छे लोग से, अधिकारी से बात करने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूं। प्लीज दोस्तों यहां पे निगेटिव कमेंट मत करना, मैं आप ही के भलाई के लिए हूं। मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं यहां पे, क्योंकि मेरा यहां कोई कोचिंग क्लास नहीं चलता है कि मैं आपको झूठ बोल दूं और आप मेरे कोचिंग में एडमिशन ले लें, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक्चुअल न्यूज है मैं वही आपको बताता हूं। तो चलिए आगे मैं अब कट ऑफ की बात कर लेता हूं। तो कट ऑफ की बात करता हूं, तो एलपी की बात करता हूं। एलपी में क्वालिफाई करने के बाद जो भी लड़के का मार्क्स जनरल में 45 से 50 के बीच में आ रहा है और ओबीसी में 40 से 45 के बीच में आ रहा है, एसटी एससी में 35 से 40 के बीच में आ रहा है, तो वो लोग साइको की तैयारी कर दे। उनका 100% रिजल्ट होना है, क्योंकि यहाँ पे 30% ही लड़के सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हैं पार्ट बी में, बाकी 70% लोगों का 18, 22, 23 ऐसे ही नंबर है, एक एक दो दो नंबर से छट रहे हैं। तो ये बोर्ड का निर्णय होगा कि बोर्ड क्या फैसला लेती है। अगर उनके पास बच्चे नहीं आते हैं तो हो सकता है कि वो जो मिनिमम मार्क्स है उसको वो डिक्रीज करें, या फिर जो भी एक्शन लेना होगा वो लेंगे। वो आप ही के भलाई के लिए होगा, क्योंकि जो पोस्ट खाली है उसको तो उनको किसी तरीके से भरना है। उसके बाद आते हैं दोस्तों जो टेक्नीशियन का है। जो मार्क्स बच्चों के बीच से मेरे पास आ रहे हैं वो इतना ज्यादा मार्क्स नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना है। जो भी बच्चे का टफ शिफ्ट था उनका नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि मेरे पास रेलवे का सारा डाटा नहीं है, इसीलिए मैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स तो नहीं बता सकता, लेकिन रॉ मार्क्स बता सकता हूं कि आपका अगर इतना आ रहा है तो आपका हो सकता है, अगर जिनका टफ शिफ्ट था वो मान के चले उनका 15 नंबर, 10 से 15 नंबर जरूर बढ़ेगा। इससे पहले जो सीबीटी 1 हुआ था उसमें 75 मार्क्स का वो था, इसीलिए सब लोगों का मार्क्स 25-30 नंबर भी बढ़ाया गया था, लेकिन यहां पे 25-30 नंबर नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो 100 नंबर पे कैलकुलेशन होना है, तो डाटा ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है, इसलिए आपको 10 से 15 नंबर से ज्यादा आपका नहीं बढ़ पाएगा। तो 10 से 15 नंबर हो सकता है, किसी का बहुत टफ है तो 20 भी हो सकता है, उस शिफ्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको यहां पे रॉ मार्क्स बता रहा हूं। आप यहां रॉ मार्क्स देख ले, अगर आपका इतना आ रहा है तो आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपना डॉक्यूमेंट बनवाना शुरू कर दे। जनरल के लिए जो कट ऑफ जाने वाला है वो 65 से 70 के बीच में जाने वाला है, ओबीसी के लिए 55 से 60 जाने वाला है, एससी एसटी के लिए 47 से 52 के बीच में जाना है, इसी के आसपास आपका डाटा रहेगा। अगर आपका इतना आ रहा है तो निश्चिंत हो, 5200 पोस्ट जो एसएनटी का है वो सिर्फ आप ही लोग के लिए है और आप ही का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत जगह से जानकारी ली है, बहुत मेहनत के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, तो प्लीज निगेटिव कमेंट मत करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि इसी तरह के ऑथेंटिक न्यूज आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।